Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all will be fine. My name is Ms. Amina Zafar and today I'm going to deliver the lecture of grade 9. This is a textbook of English and today we will read the poem Stopping by Words on a Snowy Evening. Open this book on page number 82. Okay? Here is the poem Stopping by Words on a Snowy Evening. There is a picture of this poem is given in your book on page number 81. Okay. This poem is written by Robert Frost. ठीक है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोईम लिखी है और इस पोइम के अंदर वो आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे वो एक दिन एक मरतबा वो जंगल में जाके रुक गए थे जब सर्दी बहुत ज़्यादा थी ठीक है और वहाँ पर उन्हें उन्होंने क्या देखा वी विल रीड इन दिस पोइम लेट्स टेक अ स्टार्ट हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो ये किसके जंगल हैं शायद मैंने जानता हूँ हिज हाउस इज इन द विलेज तो शायद इसका घर गांव में है ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग है लेकिन वो मुझे यहाँ पे रुके हुए नहीं देखेगा टू वॉच हिज़ बोर्ड्स फिल अप विथ स्नो और ना ही अपने इन जंगलों को जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं ठीक है वर्ड्स कहते हैं जंगल को भी और लकड़ियों को भी लेकिन यहाँ पे जंगल के लिए यूज़ होगा माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर मेरे छोटे घोड़े को ये बहुत अजीब लगेगा क्वीर का मीनिंग होता है अजीब वरीब स्ट्रेंज ठीक है टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर के बग़ैर किसी फार्म हाउस के यहाँ पे रुक जाना उसे भी अजीब लगेगा बिटवीन द वुड्स इन जंगलों के दरमियान एंड फ्रोजन लेक और इस जमी हुई झील के दरमियान में लेक कहते हैं झील को द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर जो कि साल की सबसे गहरी या अंधेरी शाम है ठीक है ही गिव्स हिज हार्नसवेल्स अ शेक वो उसकी जो घंटी है ठीक है आपको पता है ना घोड़े मेड़ों के गलों में या जानवर गलों में हार्नेस स्वेल यानी कि खटखटाने वाली उनको कंट्रोल करने वाली एक घंटी लटकाई होती है वो उसको खटखटाता है टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक क्या हम कोई गलती तो नहीं कर बैठे द ओनली अदर साउंडस द वीप द स्वीप सिर्फ एक ही आवाज़ जो कि वहाँ से गुजर रही है या आ रही है ऑफ ईजी विन एंड डाउनी फ्लैक वो किसकी है हवा की है हल्की सी और डाउनी फ्लैक यानी कि नरम जो रुई तरह की तरह के गोले गिर रहे हैं बर्फ़ के उनकी है डाउनी का मतलब होता है नरम ठीक है दुर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप ये जंगल बहुत ही खूबसूरत घना और अंधेरा अंधेरे वाला है बट आई हैव प्रोमसेज टू कीप लेकिन मुझे अपने वादे को पूरा करना है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप और मुझे बहुत दूर तक जाना है नींद आने से पहले ठीक है ये पोइम थी आपकी जो कि रॉबर्ट फॉस्ट ने लिखी है जिसके अंदर उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया है कि वो जब स्नोई वर्ड में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा ठीक है आप लोग इसको रीड आउट कीजिएगा ठीक है वी विल डू इट्स एक्सरसाइज इन शर्द नेक्स्ट वीक ओके okay, स्टूडेंट